हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 6 ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस, प्रोज पोर्शन। इंटरमीडिएट में प्रोज पोर्शन से हम लोग लेसन 6 आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन। क्या नाम है? वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन का मतलब स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा, नारी शिक्षा। यानी कि आज हम लोग वुमेन्स एजुकेशन लेसन पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से हम सभी परिचित होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और 5 सितंबर को एस राधा कृष्णन के जन्मदिवस को हम सभी बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के एक महान दार्शनिक थे। उनके सानिध्य में राधा कृष्णन आयोग बना। एजुकेशन को और डेवलप करने के लिए राधा कृष्णन आयोग का भी गठन किया गया था। राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति रहे 10 वर्षों तक, और उपराष्ट्रपति के बाद वो राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो ग्रेट इंडियन फिलोसोफर एंड स्पोक पर्सन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे, वुमेन्स एजुकेशन। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारी किताबों का भी उन्होंने रचना किया था। उसी में से एक बुक आता है ट्रू नॉलेज, उसी में से एक बुक है ट्रू नॉलेज, यानी कि सच्चा ज्ञान। तो ट्रू नॉलेज नामक बुक से ये वुमेन्स एजुकेशन टॉपिक जो है सेलेक्ट किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस लेसन वुमेन्स एजुकेशन हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द बुक ट्रू नॉलेज। इट डील्स विद वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, मतलब सच्चा ज्ञान नामक पुस्तक से लिया हुआ ये पार्ट वुमेन्स एजुकेशन है। और यह चैप्टर जो है, यह जो लेसन है, स्त्री शिक्षा को, भारत में स्त्री शिक्षा की बात करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑफ द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बीइंग थिंक हाईली एंड एक्ट नोबली। एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मनुष्य के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऊंचा सोच और अच्छे कार्य करना होता है। अर्थात शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की सोच ऊंची हो और वो नोबल वर्क अर्थात नोबल डीड में पार्टिसिपेट करे। वी आर लिविंग इन एन एज वेयर देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम एक ऐसे युग में आज रह रहे हैं जब सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। टुडे सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड कंट्रोल्ड मैनर। आज के समय में समाज को डिसिप्लिन माइंड और कंट्रोल मैनर अर्थात नियंत्रित व्यवहार और अनुशासित मस्तिष्क वाले महिलाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे समाज को। Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest and disciplined mind. Then you will succeed and have the joy of your work. चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जा रहे हो, किसी भी लाइन से, किसी भी वर्क काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि honest and disciplined mind के साथ आप उस कार्य को करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो you will succeed, तो आप सफल होंगे और आप अपने कार्य का आनंद भी प्राप्त करेंगे, आपको अपने कार्य का मजा भी आएगा। एक्चुअली द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज वेरी नेसेसरी इन इंडिया। भारत में स्त्री शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ चेंज। द एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी ब्रॉड बट ऑल्सो डीप। कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में भारत में जो है महिला शिक्षा की बहुत जरूरत है, और हमारा जो शैक्षिक पद्धति है, हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है, उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन ये
कि एजुकेशन ब्रॉड नहीं होना चाहिए, एजुकेशन डीप होना चाहिए। नॉलेज जो है हमको डीपली, ज्यादा ज्ञान जरूरी नहीं है। जो भी आप ज्ञान अर्जित करें वो गहराई, उसके ज्ञान की गहराई तक पहुंचे, अर्थात डीपली नॉलेज रखें, ये सबसे जरूरी है। हमारे एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अस विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। द सिंगल पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अ मैन यूजफुल सिटीजन ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब क्या है, देखिए हमें ये जो शिक्षा प्राप्त करनी है, जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, यह हमें जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए, हमें प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन में श्रेष्ठ नागरिक बनना होना चाहिए। अर्थात शिक्षा का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो होना चाहिए कि हम अच्छा नागरिक बने, और जब अच्छा नागरिक बनेंगे तो हम देश की सेवा भी अच्छे ढंग से करेंगे। और इन सभी चीजों के लिए एक चीज बता दें आपको, थ्री थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। तीन चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। कौन कौन सी? सबसे पहला तो है लर्निंग, सबसे पहला लर्निंग। दूसरा टेक्निकल नॉलेज, और थर्ड होगा विद्या, द रियल नॉलेज। तीन चीजें, लर्निंग अर्थात सीखना, टेक्निकल नॉलेज तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, और विद्या, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, वो विद्या द रियल नॉलेज। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं हम सभी के लिए। और इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज का और ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा विचारणीय है, अर्थात वन थिंग इज वेरी थॉटफुल, दैट इज कंपैशन। तो इन तीन चीजों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है दया एंड कंपैशन, पीटी। ओके, तो पीटी यानी कि दया। कंपैशन इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन। इसका मतलब क्या हुआ, एक श्योर बताया आपको कि कंपैशन इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उनके अंदर दया की भावना। द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, पीटी। अर्थात एक नेचुरल क्वालिटी होता है स्त्रियों का, महिलाओं का, वो होता है दया। टाइम चेंजेस एंड वी नो दैट चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। समय बदलता रहता है और हम जानते हैं कि परिवर्तन हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण नियम है। परिवर्तन संसार का एक शाश्वत नियम है। लाइफ इज नॉट स्टेशनरी, जीवन अस्थायी नहीं होता है। So what was useful in the last century, it may not be useful for today. पिछले शताब्दी में, पिछले समय में, बीते हुए समय में कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी थी, कौन सा नियम उपयोगी था, अच्छा था हमारे लिए, वर्तमान में हो सकता है कि वो उपयोगी ना हो, क्योंकि नियम और पद्धतियां क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। So we should try to find out what is required of in this generation. इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए इस बात का पता लगाने का कि वर्तमान पीढ़ी के लिए, वर्तमान समय के लिए किस चीज की आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा है। विदाउट दिस नॉलेज वी कैन नॉट प्रोग्रेस, विदाउट दिस नॉलेज वी कैन नॉट प्रोग्रेस एंड एडजस्ट आवर सेल्व्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि बिना इस चीज के, किस चीज के, अभी जो बताया गया कि जो नियम पहले अच्छा था हमारे लिए, हो सकता है वो आगे उस अच्छा, वो नियम हमारे लिए उपयोगी न हो, इसलिए हमें इस बात का पता लगाने की जरूरत है। हमको ये जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान समय की मांग क्या है, किस चीज की आवश्यकता हमको सबसे ज्यादा होने वाली है, उसी के अनुसार अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को डेवलप करना है। ओके, तो कह रहा है कि बिना इस बात के, ज्ञान के, हम उन्नत नहीं कर सकते और अपने आप को वर्तमान समय में एडजस्ट नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। आइए बात करते हैं जीवन के एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, अर्थात जीवन के, अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। आवर रिलीजियस बुक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ विजडम। हमारी जो धार्मिक किताबें हैं वो बुद्धिमता के सागर है, स्टोर हाउस, भंडार है बुद्धिमता के, दमा, दया एंड दाना,
आर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। दान और दया और संयम ये अच्छे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। दे कंट्रीब्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, वे अच्छे जीवन में अपना सर्वोत्तम सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। दमा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, यानी कि स्वनियंत्रण। दमा का मतलब हुआ स्वनियंत्रण। दाना मीन्स कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, दान कहते हैं उसको, इंग्लिश में डी ए एन ए लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, दान यानी कि कंट्रीब्यूशन, डोनेशन। एंड दया इज कंपैशन, और दया मतलब कंपैशन अर्थात पिटी। आवर रिलीजियस बुक हैज सेड, हमारी धार्मिक पुस्तकों में ऐसा लिखा गया, धार्मिक पुस्तकें हमें बताती हैं कि गिव अस गुड ओमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, गिव अस गुड मदर वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओमेन इन अवर सोसाइटी। हमारे धार्मिक पुस्तकें, हमारे पुराण, हमारे वेद ये बताते हैं कि हमें अच्छी स्त्रियां, अच्छी स्त्रियां मतलब क्या हुआ, नोबल, कंट्रोल्ड माइंड, डिसिप्लिन ओमेन अगर समाज को मिलती हैं तो सभ्यता महान होती है, तो उससे महान सभ्यता का जन्म होता है। अगर अच्छी माएं समाज में उपलब्ध हो तो नेशन ग्रेट होता है, देश महान बनता है। ऐसा है महिलाओं का महत्व हमारे समाज में, ऐसा महत्व समाज में महिलाओं की इतनी महत्ता है, ऐसा धार्मिक पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। धार्मिक पुस्तक वेद पुराण इत्यादि का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की गाथा पढ़ने और सुनने को मिलती है। द एजुकेशन विच वी वांट टू प्रोवाइड द वुमेन, द एजुकेशन विच वी वांट टू प्रोवाइड द वुमेन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी एंड व्हाट शुड बी द चीफ एम ऑफ एजुकेशन, इस बात पे सोचने की आवश्यकता है आज के जमाने में। कहने का मतलब क्या है, जो एजुकेशन हम महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए और क्या उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव स्टूडेंट्स नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बट ऑल्सो टीच देम सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है कि वर्तमान समय में शिक्षा जो प्रदान की जा रही है विद्यार्थियों को, वो केवल टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, अभी टेक्निकल नॉलेज के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया था, तो केवल तकनीकी शिक्षा ही न दिया जाए बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया इस लेसन के माध्यम से कि जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यार्थियों को शिक्षा देने का, वो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज न दिया जाए, सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाए, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उन्हें टेक्निकल स्किल अर्थात तकनीकी कौशल, टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाए ताकि वे अपनी जीविका को कमा सके, अपनी अपना जीवन यापन कर सके। टेक्निकल एजुकेशन देने की जहां तक बात है, फिर भी हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली एक्वायरिंग द स्किल बट द इनिशिएशन इन टू हाई लाइफ इन टू द वर्ल्ड विच ट्रेजर्ड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। कहने का मतलब यह है कि स्किल प्राप्त कर लेना ही केवल मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य अर्थात टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल स्किल से परिपूर्ण करने का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि वो उच्च जीवन और उस संसार में जो काल और समय से परे हो, जो काल और समय से परे हो उसके पार जाना है। अर्थात टेक्निकल स्किल इस उद्देश्य से दिया जाए कि वो छात्र, वो स्टूडेंट्स, वो सिटीजन, वो अधिकतम अपने सफलता की ऊंचाइयों पर जा सके। यानी कि केवल उसको टेक्निकल एजुकेशन दे देना ही बेहतर नहीं है, बल्कि उसको इस प्रकार से ट्रेंड करना जरूरी है कि वो काल और समय से परे सोच करके अधिकतम ऊंचाइयों तक, सफलता के शिखर तक पहुंच सके। In ancient times, our women had the ceremony of upnayan performed for them. प्राचीन समय में, आपको इस बात से परिचित करा दूं कि प्राचीन समय में महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार का आयोजन होता था और उनको गायत्री मंत्र और वेदों को पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त था। They had right to study the Vedas and chanting the गायत्री मंत्र।
गायत्री मंत्र का जाप करना और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। बट इन द मिडिल एज देयर फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड, लेकिन मध्य के दिनों में, मध्य काल में उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, उनकी स्वतंत्रता का दमन हो गया। एंड दस आवर सिविलाइजेशन बिगिन टू डीके, एंड वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दैट डीके वॉज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और इस प्रकार से हमारी सभ्यता धीरे धीरे छीन होती गई, और छीन होने का मुख्य जो कारण रहा वो रहा सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, अर्थात महिलाओं की दासिता, स्त्री दासिता, महिलाओं को गुलाम बना करके दबा करके रखना, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया, जो उनके उनको शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था मध्य के दिनों में छीन लिया गया, जिसके कारण हमारी सभ्यता में कमी आई, हमारी सभ्यता छीन होती चली गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड मेनी अदर सोशल वर्कर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, आवर रिवॉल्यूशन हैज बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री एंड वुमेन आर प्रोग्रेसिंग नाउ डे बाय डे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी और उनके जैसे और बहुत सारे समाज सुधारकों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया महिला शिक्षा को प्रेरित करने के लिए, और उसी का परिणाम है कि आज दिन प्रतिदिन महिलाएं समाज में उन्नति कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे की ओर आ रही हैं। आज आप जानिए किसी भी क्षेत्र में, भारत में अगर विशेष रूप से अपने देश में देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पर भी आप देख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में सेवा हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसी भी मामले में सोशलिज्म, सामाजिक कार्य हो, सभी कार्यों में महिलाएं आज बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। एक से एक उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका जो इसी बात का परिणाम है, पिछले दिनों हुए, पिछले समय में हुए इन दार्शनिकों के, इन समाज सुधारकों के, इन शिक्षाविदों के नीतियों का परिणाम है कि आज देश में महिलाएं लगातार प्रगति कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्त्री शिक्षा को जोर देते हुए इस बात पर बल दिया है कि स्त्री शिक्षा या स्टूडेंट्स को जो शिक्षा दी जा रही है वो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स बनाने वाला, नोबल डीड्स करने वाला, नोबल डीड्स मतलब नेक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मानवता के गुणों को अपने अंदर धारण करना, उच्च विचार रखना, ये सारे गुण विद्यार्थियों के अंदर डेवलप करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और एक बात और उन्होंने कहा है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना उच्च पर्याप्त नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ साथ, सैद्धांतिक नॉलेज देने के साथ साथ उनको टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज के द्वारा टेक्निकल स्किल में परिपूर्ण बनाना भी बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द एंड ऑफ द लेसन वुमेन्स एजुकेशन। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।